यार यूटेक के अंदर बहुत लोगों को दिक्कतें आ रही है कि भैया हमने पैसा ऐड किया था यूटेक के अंदर, लेकिन मेरे खाते से पैसा तो कट गया लेकिन मेरे यूटेक के वॉलेट के अंदर पैसा ऐड नहीं हुआ, काफी टाइम हो चुका है लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया। तो यार आज की ये वीडियो के अंदर आप सब लोगों का स्वागत है और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यार ऐसा क्या बताऊंगा मैं, चलो शुरू करते हैं। बट उससे पहले इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर आपकी भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाए ना तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलो आज किसी को बिना किसी तरीके ओके। तो भाई सबसे पहले आप लोगों को एड मनी करने के लिए यूटेक के एड मनी प्रोसेस को समझना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ हमारे यूटेक सर्विस एप्लीकेशन पे जहाँ पर आप सब लोग भी एड मनी करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एड मनी करेंगे और इसका जो पैसा है वो कैसे आप लोग ऐड करोगे सही तरह से उसको प्रोसेस को समझना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एप्लीकेशन पे आ चुका हूँ, एड मनी वाले ऑप्शन पे हम लोग जाते हैं। ऑप्शन पे जाने के बाद पहले आपको ऑप्शन दिया जाता था मैनुअली टाइप करने का कि आपको 200 रुपए ऐड करने हैं, 400 रुपए ऐड करने हैं, बट अब आप 500, 1000, 2000 और 5000 तक का ही ऑप्शन है जितना चाहो आप ऐड कर सकते हो। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं 500 रुपए ऐड करूंगा तो मैं 500 पे गया और जैसे मैं प्रोसेस पे क्लिक करता हूं तो मेरे सामने एक ऑप्शन आता है मैनुअल वाला। इस मैनुअल वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, ऑप्शन वन और ऑप्शन टू। ये जो दोनों है ना वो एक यूपीआई आईडी है जिससे आप लोगों को पेमेंट करना है। अब ये यूपीआई आईडी किसकी है, ये कंपनी की यूपीआई आईडी है जिसपे आप लोग पेमेंट करने वाले हो। जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग सबसे पहले इस यूपीआई आईडी पे पेमेंट कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को ले लेना है एक स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट को लेने के बाद अब इस यूपीआई आईडी में से कोई भी एक यूपीआई आईडी जिसपे आपको पेमेंट करना होगा, अब डिपेंड आप पे करता है कौन सा आप यूज करते हो। तो हम लोग सिंपल एक यूपीआई आईडी को कॉपी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं सिंपल एक गूगल लेंस पे जाता हूँ और डायरेक्ट वहां से ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो और अगर आप लोग चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, किसी नोटपैड पे लिख भी लो आप, तो इसी से आप कर सकते हो। और मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल की फर्स्ट वाला जो है हमारा यूपीआई आईडी इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। ओके तो ये मैंने आपके सामने कॉपी कर लिया यूपीआई आईडी को। अब इसके बाद मैं जाता हूँ जिस भी एप्लीकेशन से आप लोग पेमेंट करने वाले हो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जिससे भी करना है उसे ओपन करो। मैं फोन पे ओपन कर रहा हूँ। फोन पे को जैसे मैं एप्लीकेशन को ओपन करूंगा तो यहाँ से कैसे पेमेंट होगा उसे समझना। तो इसके लिए सबसे पहले फोन पे का जो इंटरफेस है आप लोगों को दिख रहा है मेरे मोबाइल स्क्रीन पे। अब इसके बाद आप लोगों को एक ऑप्शन दिख रहा है टू बैंक और यूपीआई आईडी, तो इस वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप लोग देखोगे जैसे कि मेरे ऑलरेडी कुछ बैंक एड हो रहे हैं, जस्ट वेट। अब यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन दिख रहा है बैंक अकाउंट की साइड में यूपीआई आईडी वाला। अब इस यूपीआई आईडी वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ऐड यूपीआई आईडी पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो यूपीआई आईडी हम लोगों ने कॉपी किया था उसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे। जैसे हम लोग जैसे वेरीफाई करते हो तो गाइस आप लोग ये चीज याद रखना, अब जो आपके क्लाइंट होंगे या आप खुद अगर देखोगे तो ट्रस्ट के लिए जैसे आप लोग वेरीफाई करोगे ना तो ये यूपीआई आईडी किसके नाम पर रजिस्टर है, यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, यानी कि हमारा जो पैसा है वो डायरेक्ट कंपनी के पास जाएगा। इसके बाद आप चाहो तो उसको सेव कर लो। सेव करने के बाद अब आपको बोलता है एंटर अमाउंट, तो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ 500 का अमाउंट जैसे कि मुझे करना भी है। तो मैं प्रोसीड टू पे पे जैसे क्लिक करूंगा तो जो मेरे बैंक है वो मेरे को शो हो जाएंगे, यहाँ से मैं इजीली पेमेंट कर सकता हूँ। और जैसे ही आप लोगों का पेमेंट हो जाता है तो इसके बाद क्या करना है इस प्रोसेस को ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग जाएंगे हिस्ट्री वाले सेक्शन पे, 500 का हमने पेमेंट किया था तो उसका स्क्रीनशॉट जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। अब याद रखना इसी स्क्रीनशॉट के अंदर आपको एक ट्रांजेक्शन आईडी और एक यूटीआर नंबर मिलता है। तो जैसे कि इन दोनों में से कोई भी एक आईडी हम लोग कॉपी करेंगे, मैं ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पे कॉपी कर चुका हूँ। कॉपी करने के बाद अब मैं जाऊंगा हमारे यूटेक सर्विस एप्लीकेशन पे जहाँ पे हम लोग पैसा ऐड कर रहे थे। तो इस पे हम लोग गए, यहाँ पर मैं फिर से ऐड मनी पे, जैसे मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैनुअल वाले ऑप्शन पे गए। तो यहाँ पे दो यूपीआई आईडी है, अब याद रखना उसी यूपीआई आईडी को हम लोग चूज करने वाले हैं जिसपे हम लोगों ने पेमेंट किया है। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट वाले पे किया था। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको डालना है यूपीआई आईडी, तो यहाँ पर वो वाला यूपीआई आईडी नहीं डालना है, आपके खुद का जो यूपीआई आईडी है जिस भी एप्लीकेशन से आपने पेमेंट किया है वहां का यूपीआई आईडी आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं सिंपल यहाँ पे मेरा फोन पे है तो मेरा जो यूपीआई आईडी बना हुआ है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके तो ये मैंने यूपीआई आईडी डाल दिया है। इसके बाद मैं जाऊँगा ट्रांजेक्शन आईडी या यूटीआर नंबर तो वो यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा। इसके बाद हमको ऑप्शन दिया जाता है थर्ड के अंदर इमेज वाला, तो याद रखना हिस्ट्री वाले सेक्शन के अंदर जो 500 का हमने पेमेंट किया था आप जो पेमेंट करोगे उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लिया, जैसे हम लोग यहाँ पे ऐड इमेज पे गए हैं और जैसे मैं इसको ऐड करूंगा, ऐड करने के बाद सिंपल मैं यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा। तो बस इतना सा काम करना है, देन आपका काम खत्म। बस इतना सा काम आपको करना है, आपका पैसा ऐड हो जाएगा। बट यार अब बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर हम ये प्रोसेस कर चुके हैं बट फिर भी हमारा पैसा ऐड नहीं हुआ है, तो इस केस में क्या करना है इसे समझते हैं। सिंपल आपको बैक करना है।
इसके बाद आपको जाना है अपने जीमेल वाले ऑप्शन पे। जीमेल वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कंपोज का। कंपोज पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको एक मेल आईडी पे मेल करना है कंपनी को, ताकि उनको कंफर्म हो जाए कि आप लोगों ने पहले ही ऑलरेडी वहां पर जो एड मनी का प्रोसेस वो पूरा सही से किया है, बट फिर भी एड नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पर आपको वो वेरिफिकेशन के लोग मेल करेंगे। तो वेरिफिकेशन के लिए मेल किस पे करना है, सिंपल आपको क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको टाइप करना है सपोर्ट। यहाँ पे मैंने लिया सपोर्ट एट द रेट यूटेक, ओके यूटेक इंडिया, तो इन लोगों ने इंडिया लिखा। देन इसके बाद आपको डॉट कॉम लगाना, जैसे आप ऊपर हो गए तो इसके बाद आपको एक मेल आईडी मिलेगी, तो इस मेल आईडी पे आपको मेल कर देना है। अब लिखना क्या है कि सर मेरा मैंने इस डेट के अंदर इतना अमाउंट ऐड किया था, बट ये अमाउंट मेरा अभी तक ऐड नहीं हुआ है, तो प्लीज वेरीफाई माई अमाउंट। एंड यहाँ पर आपका लास्ट अपना एक अब जो आईडी नंबर है वो डाल देना, अपना नाम नंबर ईमेल आईडी डाल देना, और आपने जो पेमेंट किया था उसका स्क्रीनशॉट भी डाल देना। और जैसे आपने यहाँ पे एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेंड करोगे, आपका पैसा ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपने वेरीफाई कर दिया है। सो आई होप आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आऊगा। मैंने एक एक चीज को बिल्कुल डिटेल में बताया, आपको एड मनी करने से लेके आपको वेरीफाई कैसे करना है ये मैंने पूरा बता दिया। सेकंड वाला जो स्टेप था लास्ट में जीमेल वाला, वो तभी करना है जब आपका पैसा ऐड ना हो विद इन 24 आवर, तो तभी आप वो मेल वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो। आई होप आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत अच्छी लर्निंग मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम जरूर लिखा करो। तो थैंक यू सो मच, अब मिलेंगे किसी नए वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।